नमस्कार भाई लोग, हमारा YouTube चैनल मैकेनिक रोहित में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास आई है अपाची 160 सीसी जो TVS कंपनी की है। तो इसका गाड़ी में प्रॉब्लम था, थोड़ा थोड़ा स्मोक कर रहा था, गाड़ी का मोबिल बराबर कम हो जा रहा था और कहीं कहीं इसका कंप्रेसर रास्ते में छोड़ दे रहा था, उसके कारण स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए, इसका हाफ इंजन हम खोले हुए हैं, इसका इंजन असेंबली करते हैं, हाफ इंजन सेटिंग करते हैं। और ये देखिए, इसका 25 नंबर पिस्टन है जो हम बोर करा कर लाए हैं, पहले स्टैंडर्ड लगा हुआ था। इसका पिस्टन और दो वाल्व यहाँ पे जो है चेंज कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग को प्रॉपर तरीका से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं बहुत ही आसानी से, जो आप लोग हाफ इंजन कैसे वर्क होता है और कैसे नए मिस्त्री कैसे इसको काम करेंगे। तो इसका 5 रिंग है, देखिए इसको रिंग हम असेंबली करते हैं। ये वाइल एक्सपेंडर रिंग है और ये इसका 2 सहायक होता है, और ये देखिए ये 2 वाइल रिंग है जो इसका सहायता करता है एक्सपेंडर रिंग का, और ये देखिए एक टॉप 2 रिंग है जो कंप्रेसर रिंग होता है, एक एग्जॉस्ट रिंग है जो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो कचरा होता है जो साइलेंसर के रास्ता से इसको बाहर करता है। तो चलिए इसका हम फिटिंग करते हैं। अब इसका पिस्टन पिन जो होता है, देखिए गजन पिन का ये लॉक होता है, तो इसको ये लॉक होता है, तो इसको लगाने का आसान तरीका है, देखिए यहाँ पर हम लगा लिए हैं। और ये लॉक का जो मुंह होता है वो इसके सामने नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चलते समय कभी लॉक निकल सकती है और पिस्टन टूट सकती है। देखिए यहाँ पे हम उंगली दबाए हुए हैं और पेचकस को थोड़ा सा, देखिए ये लॉक मेरा लग चुका है, देखिए लॉक लग गया और एक लॉक इधर से लगेगी। पिस्टन का गजन पिन इसमें हम लगा लिए हैं, पहले इसमें लगा लिया जाता है तो आसानी से इसमें लग जाता है, देखिए इसमें लग चुका है। अब इधर से भी एक लॉक होता है जो हम लगाएंगे। तो ये पिन लगाने से पहले देखिए कपड़ा यहाँ पे हम चेंबर में डाल लेंगे, ये पिन यदि छिटके उठके तो इसके अंदर नहीं जाए, नहीं तो पूरा इंजन खोलना पड़ सकता है। तो देखिए ये पिन लग चुकी है और अब हम यहाँ पे इसका जो हेड बूस होता है, जो हेड और ब्लॉक का सपोर्ट होता है, वो हम लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ लगेगा। देखिए इसमें पैकिंग वैकिंग लगाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं ब्लॉक को असेंबल करके बैठा करके। तो देखिए थोड़ा थोड़ा रिंग और पिस्टन पे जो है हम मोबिल डालेंगे और ये सारा रिंग में हम मिला देंगे, और पिस्टन के दोनों सतह जो है पे हम थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे, मोबिल लगाएंगे और इसी तरह ब्लॉक में भी थोड़ा सा मोबिल लगाएंगे। और देखिए ब्लॉक को हम बैठा देंगे, देखिए ये पिस्टन है और आराम आराम से इसको बैठाया जाता है, थोड़ा थोड़ा इसको हिला करके। तो देखिए इसका हम ब्लॉक को बैठा लिए हैं, यहाँ पे अच्छा तरीका से बैठ चुकी है और पिस्टन यहाँ पे देखिए टॉप पर है, और यहाँ पर हम हेड गैस्किट को लगाएंगे, देखिए और इसका एक इधर और एक इधर बूस लगता है जो हम लगा लिए हैं। हेड गैस्किट को हम लगाएंगे जो वायल इसका लीकेज ना हो, इसके चलते ये लगाया जाता है। और एक यहाँ पे देखिए होल होता है, ये प्रदूषण के लिए है, जो यहाँ पे पिस्टन के पास आग लगता है, जो स्पार्क होता है, जो पेट्रोल यहाँ पे जलता है, वो यहाँ से देखिए इसका यदि कचरा होता है तो इसके ऊपर आ जाता है हेड के पास से। और वाल्व को भी यहाँ पर थोड़ा सा पिस्टन का जो हवा होता है उससे वाल्व जो इंटेक वाल्व होता है साइलेंसर की तरफ वो ज़्यादा गर्म होता है। तो ब्लॉक को बैठाने के बाद ये देखिए इसका गाइडर है, गाइडर को हम लगाएंगे, इसका गाइडर है, देखिए निकाल के हम दिखा देते हैं, ये गाइडर है तो इसको लगाएंगे और यहाँ पे खांचा बना हुआ होता है, इसमें फंस जाता है और इसको हिला कर देखना है कि नीचे फंसा कि नहीं। तो ये टाइमिंग चैन होता है और एक इधर गाइडर होता है और एक इधर गाइडर होता है, तो इसके बीच में ही चलता है कि जाके ब्लॉक और हेड में टच ना हो। तो चलिए वो वाला भी हम गाइडर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए अब हम हेड को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेड हम बैठा लिए हैं और यहाँ पे चारों स्टड नट हम टाइट करेंगे, चारों के ऊपर वाशर होता है, तो वाशर लगा के इसको हम टाइट करेंगे और इसका टाइमिंग मिलाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए चारों वाशर और चारों यहाँ पे बोल्ट लगा लिए हैं, यहाँ पे टाइमिंग ले लिए हैं और ऊपर कैमशाफ्ट को लगाएंगे और ये गाइडर है जो हम ऊपर से लगाएंगे, इसमें ये छेदा होता है, इसमें हम बोल्ट को पहले घुसा लेते हैं, ये इसका बोल्ट है।
में एक वाशर लगा हुआ होता है, तो वाशर को ज़रूर लगाना है। तो देखिए एक और गाइडर था, इसको हम लगा लिए हैं और इसको 12 नंबर का बोल्ट रहता है और एक वाशर लगा हुआ रहता है, तो इसको हम टाइट कर देंगे। देखिए इस लग चुकी है। चलिए हम ये सब चीज़ों को अब टाइट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए इधर भी कट का ये खांचा बना हुआ रहता है और इधर भी, तो ये कट वाशर जो है इसको हम इधर डालेंगे कैम शाफ्ट लगाने से पहले। इसका टाइमिंग को हम सेट कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए ये मार्क दिख रहा होगा, जो ये मार्क इसके सामना सामनी रहेगा। और ये कैम शाफ्ट में देखिए यहाँ दो होल होता है। और देखिए हमारा परफेक्ट टाइमिंग मिल चुका है और यहाँ पर भी टाइमिंग है। यहाँ पे जो टॉप का जो डॉट होता है यहाँ पे मिला लिए हैं देखिए। तो चलिए और इसका हेड कवर को लगाते हैं और टैपिट का एडजस्ट करते हैं। और ये देखिए डी वाल्व होता है जो किक मारने के बाद किक और सब गाड़ी का जो होता है रिटर्न मारता है, जिससे आपको चोट भी लग सकती है। तो इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है कि किक नीचे जाने के बाद फिर ऊपर नहीं रिटर्न मारेगा। यहाँ पर किक का जो कंप्रेसर को है यहाँ छोड़ता है। तो ये इसका हेड कवर हम लगाएंगे और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा थोड़ा रेसी बॉन्ड लगा लिए हैं। इसका हेड कवर में पैकिंग वगैरह नहीं होता है, एक यहाँ रबर का हेड कवर ओरिंग होता है, तो इसको हम बैठाते हैं। देखिए तो ये बैठ चुका है। अब इसमें हम सारे नट को कसेंगे। चार बोल्ट होता है जिसमें वाशर लगा हुआ होता है, वो हम बीच में लगाएंगे। देखिए ये चार गो जो वाशर वाला होता है यहाँ पे हम लगाएंगे और उसके बाद बिना वाशर का भी इसमें होता है। दो बड़ा बड़ा होता है जो एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा और उसके बाद सब सेम साइज का होता है। तो और ये सभी को हम इसमें लगा देंगे और इसका बोल्ट को हम टाइट करेंगे 10 नंबर के टी से। चारों को तिरछा तिरछा हम पहले बीच वाला को टाइट करेंगे और उसके बाद हम टाइमिंग मिला लिए हैं और टैपिट मिलाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई लोग अब हमारा इंजन फुल्ली टाइट हो चुका है, हर चीज़ इसका हम कस दिए हैं। ये इसका टेंशनर है जो टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है, इसको हम लगा दिए हैं और टैपिट वगैरह सेट कर लिए हैं। तो चलिए अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, पहले चॉक को ऑन करेंगे उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है और गाड़ी हमारा धुआँ नहीं दे रहा है। देखिए गाड़ी स्टार्ट है प्रॉपर तरीका से। चलिए अब हम आप लोगों को साइलेंसर टाइट करके दिखाते हैं कि इसका साउंड कैसा आ रहा है। हमारा हाफ इंजन का काम कंप्लीट हो गया है और इसका हम साइलेंसर लगा लिए हैं। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं कि इसका आवाज़ जो है साउंड कैसा आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसका साउंड सही है कि नहीं, ट्रैफिक में आवाज़ है कि नहीं, या टाइमिंग चेन आवाज़ तो नहीं कर रही है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एक सेल्फ यहाँ पे हम लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया है और साउंड भी इसका बहुत अच्छा है, टैपिट उपिट सब आवाज़ नहीं कर रहा है, साउंड बहुत अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।